माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में हम सीखेंगे पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स और स्लाइसर्स का उपयोग करके सेल्स डैशबोर्ड क्रिएट करना। यहाँ स्क्रीन पर आप फुल्ली फंक्शनल सेल्स डैशबोर्ड देख सकते हैं। सेल्स डेटा को दर्शाने के लिए यहाँ पर 5 चार्ट्स दिए गए हैं, सेल्स बाय मैनेजर, सेल्स बाय स्टेट्स, सेल्स बाय ब्रांड्स, सेल्स बाय सेक्टर्स और यहाँ पर सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन दर्शाने के लिए पाई चार्ट का उपयोग किया गया है। और यहाँ लेफ्ट साइड में ये जो बटन्स हैं, ये एक्चुअली स्लाइसर्स हैं। इन बटन्स में से जैसे ही आप किसी एक पर क्लिक करेंगे तो ये सभी चार्ट्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। अभी तक यहाँ पर कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं किया गया है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं 2018 पर, तो आप देखेंगे यहाँ सभी चार्ट्स 2018 के लिए अपडेट हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बटन सिलेक्टेड है उसका कलर डिफरेंट हो गया है। इसी तरह से जैसे ही हम यहाँ ये 2019 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सभी चार्ट्स 2019 के लिए, इन सभी मंथ्स के लिए और इन सभी स्टेट्स के लिए अपडेट हो जाएंगे। क्लिक करेंगे यहाँ 2019 पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से किसी भी स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं मंथ जनवरी, तो आप यहाँ पर देखेंगे 2019 का जनवरी मंथ का डेटा यहाँ पर अपडेट हो गया है। एक स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं एचपी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2019 का जनवरी मंथ का एचपी का डेटा अपडेट हो गया है। यहाँ क्लियर फिल्टर पर क्लिक करके आप फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं। यहां से हम मंथ वाले फिल्टर को भी क्लियर कर देंगे और ये ईयर वाले फिल्टर को भी क्लियर कर देंगे। इस फुल्ली फंक्शनल सेल्स डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए किसी भी वीबीए कोडिंग का उपयोग नहीं किया गया है। इसे क्रिएट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम यहाँ डेटा देख लेंगे। इस डेटा में हमने लिए डेट्स, ईयर, मंथ्स, स्टेट्स, मैनेजर नेम्स, ब्रांड नेम्स, कस्टमर सेक्टर और सेल्स वैल्यूज। अब हम इस डेटा को टेबल रेंज में कन्वर्ट कर लेंगे। डेटा को टेबल रेंज में कन्वर्ट करने के लिए कहीं भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमने हमारे डेटा टेबल में हेडिंग्स ली हुई है तो ये माई टेबल हैज हेडर्स के सामने बने चेकबॉक्स को चेक ही रहने देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब ये डेटा टेबल रेंज में कन्वर्ट हो गया है। इसके डिजाइन को चेंज करने के लिए हम यहाँ टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहां से आप किसी भी डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी डिजाइन नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लियर पर क्लिक कर देंगे। एक्सेल टेबल का डिजाइन हट जाएगा। इस शीट को हम यहाँ रीनेम कर देंगे, इसको हम नाम दे देंगे डेटा। दूसरे स्टेप में हम पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। इसके लिए डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और पिवट टेबल वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। या इसको हम न्यू वर्कशीट पर ही रहने देंगे क्योंकि हमें पिवट टेबल क्रिएट करना है नई वर्कशीट पर, और यहां से ओके कर देंगे। अब जो भी आपके डेटा में फील्ड्स दिए गए थे वो सभी फील्ड्स यहां पर दिखने लगेंगे। अब यहां पर क्योंकि हमें सबसे पहले ये चार्ट क्रिएट करना है सेल्स बाय मैनेजर वाला, तो इसके लिए हम यहां मैनेजर वाले फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ रोज में, तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी मैनेजर्स के नाम आ जाएंगे। और ये सेल्स वैल्यू को हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वैल्यूज में, तो सभी मैनेजर्स की वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगे। ये सेल्स वैल्यू वाले फील्ड को फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो यहाँ पर फिर से वैल्यूज आ जाएंगी। इसको हमें कन्वर्ट करना है अकाउंट्स में, इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ ये बाय डिफॉल्ट सम पर है, इसको हम करेंगे काउंट पर और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यूज आ गई हैं और यहाँ पर काउंट्स आ गए। अब हमें सेल्स बाय मैनेजर चार्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पिवट टेबल एनालाइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पिवट चार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे।
आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट आ गया है। इन बटन्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको हटाने के लिए हम यहाँ पिवट चार्ट एनालाइज पर फिर से क्लिक करेंगे और ये फील्ड बटन्स पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये सभी बटन्स यहाँ से हट जाएंगे। इन ग्रिड लाइंस और ये लीजेंड को हटाने के लिए यहाँ ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ये ग्रिड लाइंस के सामने बने चेकबॉक्स को अनचेक करेंगे, लीजेंड के सामने बने चेकबॉक्स को अनचेक करेंगे और क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हैं चार्ट टाइटल तो यहाँ चार्ट टाइटल को टिक कर देंगे, यहाँ चार्ट टाइटल आ जाएगा। यहाँ इस चार्ट टाइटल को रीनेम कर देंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सेल्स बाय मैनेजर। चार्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डिजाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ चेंज कलर्स पर क्लिक करके डिजाइन चेंज कर देंगे। अब किसी एक डेटा बार पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ चेंज सीरीज चार्ट टाइप पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे काउंट ऑफ सेल्स वैल्यूज के सामने दी गई ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम सेलेक्ट करेंगे ये स्टैक्ड लाइन विद मार्कर्स, क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसको कर देंगे सेकेंडरी एक्सिस, इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे और यहां से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। डेटा ऐड करने के लिए यहां पर फिर से किसी एक डेटा बार पर राइट क्लिक करेंगे और ये ऐड डेटा लेबल पर क्लिक कर देंगे या लाइन पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऐड डेटा लेबल पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर काउंट्स भी आ जाएंगे। इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरह से। इस शीट को हम नाम दे देंगे मैनेजर पिवट और यहां पिवट टेबल एनालाइज पर क्लिक करेंगे और यहां पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम नाम दे देंगे मैनेजर पिवट। अब यहां पर ये मैनेजर पिवट की हम एक कॉपी और कर लेंगे, इसके लिए यहां कंट्रोल प्रेस करेंगे और डबल क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेंगे और यहां पर ड्रॉप कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक कॉपी और हो गई है। ये सेल्स बाय मैनेजर वाले चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर देंगे। यहां डैशबोर्ड पर आएंगे और अब हमें क्रिएट करना है ये सेल्स बाय स्टेट्स वाला चार्ट, तो इसके लिए हम यहां मैनेजर्स की जगह स्टेट्स ले लेंगे। इसको रिमूव करने के लिए यहां क्लिक करेंगे, रिमूव फील्ड पर क्लिक कर देंगे और यहां पर हम स्टेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। यहां से ये दूसरे फील्ड को हम जो काउंट के लिए लिया था हमने उसको यहां रिमूव कर देंगे और पिवट टेबल एनालाइज पर क्लिक करेंगे या पिवट चार्ट पर क्लिक करेंगे। यहां क्योंकि हमें बार चार्ट लेना है तो हम ये बार चार्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से ओके कर देंगे। इन बटन्स को रिमूव करने के लिए या पिवट चार्ट एनालाइज पर क्लिक करेंगे या फील्ड बटन्स पर एक बार क्लिक कर देंगे, ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहां से ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे, लीजेंड को अनचेक करेंगे और अब ये टाइटल को हम रीनेम कर देंगे, इसको हम नाम दे देंगे सेल्स बाय स्टेट्स। चार्ट पर क्लिक करेंगे, यहां डिजाइन पर जाएंगे और यहां चेंज कलर्स पर क्लिक करेंगे, यहां से कोई डिजाइन ले लेंगे, हम ये डिजाइन ले रहे हैं। यहां किसी एक बार पर राइट क्लिक करेंगे और डेटा ऐड करने के लिए ऐड डेटा लेबल्स पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर डेटा ऐड हो जाएगा। इसके साइज को थोड़ा कम करेंगे, हाइट को थोड़ा बढ़ा देंगे। इस शीट को हम रीनेम कर देंगे, इसको हम नाम दे देंगे स्टेट पिवट। इसी तरह से हम ये पिवट टेबल को नाम दे देंगे, यहां क्लिक करेंगे, यहां पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम नाम दे देंगे स्टेट पिवट। यहां पर स्पेस नहीं होना चाहिए। अब हमें चार्ट क्रिएट करना है ब्रांड और सेक्टर्स के लिए, तो कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहां पर, तो इसकी एक कॉपी और तैयार हो जाएगी। यहां से इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर देंगे। अब यहां स्टेट की जगह हम लेंगे तो यहां पर इसको हम रिमूव कर देंगे, रिमूव फील्ड पर क्लिक करके और यहां पर हम ले लेंगे ब्रांड। पिवट टेबल एनालाइज पर क्लिक करेंगे, पिवट चार्ट पर क्लिक करेंगे और ये बार पर क्लिक करेंगे और यहां से ओके कर देंगे। इन बटन्स को रिमूव करने के लिए पिवट चार्ट एनालाइज पर क्लिक करेंगे
और ये फील्ड बटन्स पर एक बार क्लिक कर देंगे, ये बटन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे, लीजेंड को अनचेक करेंगे, टाइटल को चेंज कर देंगे, इसको रीनेम करेंगे हम सेल्स बाय ब्रांड्स। यहाँ किसी एक बार पर क्लिक करेंगे और डेटा ऐड करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और ऐड डेटा लेबल्स पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर डेटा ऐड हो जाएगा। इसकी विड्थ को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देंगे इस तरह से, और हाइट को थोड़ा बढ़ा लेंगे। इस शीट को हम नाम दे देंगे ब्रांड पिवट। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे ब्रांड पिवट। और अब ये पिवट टेबल को भी हम नाम दे देंगे, यहाँ पिवट टेबल एनालाइज पर क्लिक करेंगे, पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नाम दे देंगे ब्रांड पिवट। अब कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करके इसको फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, इसकी एक और शीट तैयार हो जाएगी। यहाँ पर इस चार्ट को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर केवल फील्ड चेंज कर लेंगे। यहाँ ब्रांड को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे कस्टमर सेक्टर। यहाँ से टाइटल को रिनेम कर देंगे, इसको हम नाम दे देंगे सेल्स बाय सेक्टर्स। सेलेक्ट करेंगे फिर से और यहाँ डिजाइन पर जाएंगे, यहाँ चेंज कलर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई डिजाइन ले लेंगे, ये ले लेंगे। इस शीट को हम यहाँ नाम दे देंगे सेक्टर पिवट। यहाँ पिवट टेबल एनालाइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको रीनेम कर देंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे सेक्टर पिवट। अब हमें क्योंकि ये पाई चार्ट क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस शीट की एक कॉपी और कर लेंगे। तो कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इस तरह से। और क्योंकि हमें पिवट चार्ट पर दर्शाना है सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन, तो हम यहाँ पर इन सेम फील्ड्स को ही रहने देंगे। यहाँ से चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट करेंगे और यहाँ वैल्यू वाले फील्ड में यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ शो वैल्यूज एज पर क्लिक करेंगे, यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल और यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पर सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में दिखने लगेगा। राइट क्लिक करेंगे, नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम डेसिमल प्लेसेस को करेंगे 0 और यहाँ से ओके कर देंगे। पिवट टेबल एनालाइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पिवट चार्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम पाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई चार्ट क्रिएट हो गया है। बटन्स को रिमूव करने के लिए पिवट चार्ट एनालाइज पर क्लिक करेंगे, फील्ड बटन्स वाले आइकन पर एक बार क्लिक कर देंगे, यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये लीजेंड्स को अनचेक कर देंगे, ये लीजेंड भी यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर हम ये चार्ट टाइटल को भी हटा देंगे इसको अनचेक करके। अब यहाँ चार्ट पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऐड डेटा लेबल पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर डेटा ऐड हो जाएगा। यहाँ डेटा पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट डेटा लेबल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कैटेगरी नेम को चेक कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी नेम्स भी आ जाएंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, होम पर जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे। यहाँ हम फॉन्ट कलर लेंगे वाइट, इस तरह से यहाँ से बोल्ड कर देंगे। इस शीट को हम नाम दे देंगे पाई पिवट, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको रीनेम कर देंगे, इसको हम नाम दे देंगे पाई पिवट। अब डैशबोर्ड के लिए एक शीट यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ व्यू पर जाएंगे और यहाँ ग्रिड लाइंस को अनचेक कर देंगे, तो यहाँ से एक ग्रिड लाइंस हट जाएंगी। अब सभी चार्ट्स को एक एक करके हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैनेजर पिवट पर आते हैं और इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एक्स करके कट कर लेंगे। और जो शीट हमने अभी इंसर्ट की थी, शीट 8, यहाँ पर आ जाएंगे
और यहां पर कंट्रोल वी द्वारा इसको पेस्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये चार्ट पेस्ट हो गया है। यहां से ये फील्ड वाले सेक्शन को हटा देंगे, क्लोज कर देंगे। इसी तरह से हम ये सभी चार्ट्स को यहां पर ले आएंगे। ये स्टेट पिवट वाली शीट पर क्लिक करेंगे, यहां से इस चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करके कट कर लेंगे और यहां शीट एक पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर देंगे इस तरह से। अब ये ब्रांड पिवट वाली शीट पर आएंगे, यहां से इस चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स द्वारा कट कर लेंगे और यहां शीट एट पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर देंगे। और अब यहां पर आएंगे सेक्टर पिवट वाली शीट पर, यहां इस चार्ट को कंट्रोल एक्स द्वारा कट करेंगे और यहां शीट एट पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर देंगे। और अब ये पिवट चार्ट वाली शीट पर आएंगे, यहां से इस चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स द्वारा कट कर लेंगे और यहां शीट एट पर आएंगे और यहां कंट्रोल वी द्वारा इसको पेस्ट कर देंगे। अब सभी चार्ट्स यहां पर आ गए हैं। अब एक एक करके हम इनको सेट कर लेंगे। सबसे पहले ये सेल्स बाय स्टेट्स वाले चार्ट की विड्थ को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, यहां से यहां तक कर लेंगे और इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे इस तरह से। और ये सेल्स बाय मैनेजर वाले चार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहां पर सेट कर लेंगे, इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर देंगे, इसकी हाइट को भी थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि हमें बाकी चार्ट्स को भी यहां पर लेकर आना है। अब ये पाई चार्ट वाले चार्ट को यहां से ड्रैग करके यहां पर ले आएंगे, इसके साइज को हम यहां पर कम कर देंगे, यहां इसके ये अंदर वाले भाग पर क्लिक करेंगे और इसको यहां से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से, इसको सेंटर में कर देंगे। और अब यहां से ये ब्रांड वाले चार्ट को हम यहां पर सेट करेंगे, सेक्टर वाले चार्ट को भी यहां पर सेट करेंगे। यहां से इसको क्लोज कर रहे हैं, हम इसको यहां पर रख लेंगे, इसके साइज को थोड़ा कम करेंगे, इसके साइज को भी थोड़ा सा कम करेंगे, इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहां पर मिला देंगे। यहां से इन दोनों के साइज को हम बढ़ा देंगे, यहां तक ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं सभी चार्ट्स यहां पर आ गए। अब यहां पर हम स्लाइसर्स को ऐड करेंगे। स्लाइसर्स को ऐड करने के लिए हम यहां इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहां स्लाइसर पर क्लिक कर देंगे। अब जो भी स्लाइसर हमें चाहिए वो यहां से ले सकते हैं, जिस भी फील्ड के लिए स्लाइसर हमें चाहिए। तो हमें यहां पर स्लाइसर चाहिए ईयर के लिए, मंथ के लिए और स्टेट के लिए, और यहां से ओके कर देंगे। तो यहां पर तीनों स्लाइसर्स आ गए हैं। ईयर वाले स्लाइसर पर हम क्लिक करेंगे, इसको यहां पर ड्रैग कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां साइज एंड प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे और यहां पोजीशन एंड लेआउट पर क्लिक करेंगे। यहां से आप कॉलम्स चेंज कर सकते हैं इसके। अभी ये सिंगल कॉलम में है, हमें चाहिए यहां पर तीन कॉलम्स, तो यहां पर हम थ्री कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये थ्री कॉलम में आ गए हैं ईयर। इसकी हाइट को हम यहां से कम कर देंगे और इसको ड्रैग करके हम यहां पर रख लेंगे। यहां से इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे इस तरह से, हाइट को थोड़ा और कम कर देंगे। यहां स्लाइसर पर क्लिक करेंगे, यहां से हम कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं। हम यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं ये डिजाइन, उसका डिजाइन यहां पर चेंज हो जाएगा। अब ये मंथ वाले स्लाइसर को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम यहां पर रख लेंगे। इसको हमें करना है चार कॉलम में, तो यहां पर हम कर देंगे फोर। आप देख सकते हैं ये यहां पर चार कॉलम आ गए। हाइट को थोड़ा कम कर देंगे इस तरह से, इसको यहां से ड्रैग करेंगे और यहां पर ड्रॉप कर लेंगे। विड्थ को बढ़ा देंगे इस तरह से, यहां से डिजाइन चेंज कर देंगे। यहां पर हम डिजाइन लेंगे ये ब्लू। अब इस स्लाइसर को हम सिलेक्ट करेंगे, यहां पर हम कॉलम्स लेंगे दो, तो यहां इसको दो पर कर देंगे, इसकी हाइट को कम करेंगे और इसको यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। यहां से विड्थ को थोड़ा बढ़ा देंगे। यहां पर आप देखेंगे कुछ स्टेट्स हाइड हो रहे हैं, तो इसके लिए हम इन बटन्स की हाइट को कम कर लेंगे। इसके लिए हम यहां से इसकी बटन्स की हाइट को कम कर देंगे इस तरह से, और यहां स्लाइसर पर क्लिक करेंगे
यहां से हम डिजाइन चेंज कर देंगे, ये डिजाइन ले लेंगे हम। अब यहां से ये फॉर्मेट स्लाइसर वाले फील्ड को क्लोज कर देंगे इस तरह से। यहां इंसर्ट पर जाएंगे, यहां से हम एक शेप ले लेंगे रेक्टेंगल शेप और यहां पर ड्रॉ कर लेंगे, साइज थोड़ा छोटा कर देंगे। शेप फॉर्मेट पर जाएंगे और यहां शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, नो आउटलाइन कर देंगे और यहां शेप में हम टाइप कर देंगे कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेक्टर्स। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे और यहां से फॉन्ट साइज कम कर देंगे, फिर से होम पर जाएंगे, यहां से मिडिल में अलाइन कर देंगे, यहां से सेंटर कर देंगे, बोल्ड कर देंगे कंट्रोल बी प्रेस करके इस तरह से। तो आप देखेंगे यहां पर ये बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे केवल एक ही चार्ट इससे कनेक्टेड है। इसके लिए हम यहां से पहले इसको क्लियर फिल्टर करेंगे और स्लाइसर को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहां ये रिपोर्ट कनेक्शंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस स्लाइसर को हमें सभी पिवट से कनेक्ट करना है, तो इसके लिए ये सभी पिवट्स के नाम यहां पर दिखेंगे, इन सबको हमें चेक कर देना है। सभी को हम यहां से चेक कर देंगे और यहां से ओके कर देंगे। अब ये ईयर वाला जो स्लाइसर है वो सभी चार्ट्स के लिए अपडेट हो गया है। यहां जैसे ही हम 2018 पर क्लिक करेंगे तो सभी चार्ट्स आप देख सकते हैं 2018 के लिए अपडेट हो गए हैं। यहां से हम इसको क्लियर कर देंगे। इसी तरह से हम ये मंथ वाले स्लाइसर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शंस पर क्लिक करेंगे और यहां से हम इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे और यहां से ओके कर देंगे। अब ये स्लाइसर भी सभी चार्ट से कनेक्ट हो गया है। इसी तरह से हम स्टेट वाले स्लाइसर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शंस पर क्लिक करेंगे और यहां से इसको कनेक्ट कर देंगे इन सभी पिवट से, यहां से ओके कर देंगे। अब ये सभी स्लाइसर्स सभी चार्ट से कनेक्ट हो गए हैं। जैसे हम यहां पर क्लिक करते हैं 2018, यहां से कोई भी मंथ सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर उसी मंथ के अकॉर्डिंग डेटा अपडेट हो जाएगा। यहां स्टेट को सिलेक्ट करते हैं हम, जैसे यहां पे हमने सिलेक्ट किया दिल्ली, तो आप देख सकते हैं यहां पर 2018 का फरवरी का दिल्ली स्टेट का डेटा अपडेट हो गया है। यहां से इसको क्लियर कर सकते हैं, यहां से कोई अन्य मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने सिलेक्ट किया नवंबर, तो आप देख सकते हैं यहां पर डेटा अपडेट हो गया है 2018 का नवंबर का डेटा। यहां से इसको क्लियर करेंगे, यहां से हम सिलेक्ट करते हैं 2019, आप देख सकते हैं यहां पर डेटा अपडेट हो गया है 2019 का। इस शीट को हम रीनेम कर देंगे, इसको हम नाम दे देंगे डैशबोर्ड। अगर आप यहां डेटा में किसी अन्य मंथ का डेटा ऐड करेंगे यहां पर, तो ये चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। तो आप डेटा को यहां पर पेस्ट कर लें और पेस्ट करने के बाद यहां डैशबोर्ड पर आएंगे और यहां डेटा पर जाकर रिफ्रेश ऑल पर क्लिक कर देंगे तो सभी चार्ट्स यहां पर ऑटोमेटिकली उस डेटा के लिए भी अपडेट हो जाएंगे। ये डैशबोर्ड के थीम को चेंज करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। यहां पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे, यहां थीम्स पर क्लिक करेंगे और यहां से कोई भी थीम्स हम ले सकते हैं, जो भी थीम हम यहां पर चाहते हैं। यहां से आप आसानी से किसी भी थीम को चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस फुल्ली फंक्शनल सेल्स डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।